हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं अपील से रिलेटेड अन्य प्रावधानों पे। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, लॉ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। या फिर अगर कोई भी प्रावधान आपको किसी भी लॉ से रिलेटेड, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो सीपीसी हो, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो, कोई भी लॉ पेपर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू पे डिस्कस करेंगे हम लोग। दोस्तों, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपील के कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने जाना कि फर्स्ट अपील होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। और इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोग आए सेकेंड अपील पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने कि अपील ऑर्डर से होता है तो किस प्रावधान के तहत होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि अपील सुप्रीम कोर्ट में अगर करना है तो कैसे होगा और इसके लिए क्या प्रावधान है सीपीसी में। उसके बाद हम लोग देखें अपील जो इंडिजेंट पर्सन के द्वारा होता है तो उसका क्या प्रक्रिया है, ठीक है। ऐसे अपील का क्या प्रक्रिया है जो इंडिजेंट पर्सन के द्वारा होगा, और इससे रिलेवेंट जो जो सेक्शन है, जो ऑर्डर है सीपीसी में, वो कहाँ है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था फर्स्ट पार्ट में। बेसिकली फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर किए थे फर्स्ट अपील से रिलेटेड, और इसी पे आधारित है आज का भी पार्ट, आज का भी लेक्चर जो पार्ट सेकेंड है। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था 96 को, कि 96 एग्जैक्टली क्या कहता है। तो हम लोगों ने जाना सबसेक्शन 1 को, सेक्शन 96 का, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। अगर आपने मेरा पहले वाला पार्ट नहीं देखा है 96 से रिलेटेड सेक्शन, तो प्लीज आप एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपील से रिलेटेड अन्य प्रावधान, अन्य रिलेवेंट पॉइंट पे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट अपील में जो अपील शब्द है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, अपील का क्या मतलब होता है, तो इससे जो रिलेटेड केस है, डिसाइडेड केस अपेक्स कोर्ट के द्वारा, वो है नागेंद्र नाथ राय वर्सेस सुरेंद्र चंद्र डे। क्या है केस, केस लॉ नागेंद्र नाथ राय वर्सेस सुरेश चंद्र डे। अब इस केस में अपील को डिफाइन किया गया है। अब कैसे डिफाइन किया गया, आप ये देखिए, कहा गया कि अपील एक प्रकार का प्रोसीडिंग है जो जो लाया जाता है कहां, तो सुपीरियर कोर्ट में लाया जाता है, ठीक है। अपील एक प्रकार का क्या है, प्रोसीडिंग है जो सुपीरियर कोर्ट में लाया जाता है। अब सुपीरियर कोर्ट में वह प्रोसीडिंग लाया ही क्यों गया, तो उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो है रिवर्स करना उस डिसीजन को, जो डिसीजन है लोअर कोर्ट का या इंफीरियर कोर्ट का, ठीक है। और किस ग्राउंड पे, तो एरर के ग्राउंड पे, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी बातें आपको किस केस में कही गई है, तो नागेंद्र नाथ रे वर्सेस सुरेश चंद्र डे के केस में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था अपील के डेफिनेशन को, या अपील को डिफाइन करने की कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में। तो बेसिकली जब हम लोग बात करेंगे अपील को कि क्या सीपीसी में परिभाषित किया गया है, तो सीपीसी में कहीं भी अपील को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उससे रिलेवेंट जो प्रोविजन है वो दी गई है, ठीक है। तो इस केस में लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया, और उसका जो डिसीजन था क्या था अपील के डेफिनेशन को लेके, तो उसको हम लोगों ने जाना, ठीक है, कि प्रोसीडिंग है जो सुपीरियर कोर्ट में जाता है। अब जाने की सुपीरियर कोर्ट में वो प्रोसीडिंग क्यों जा रहा है, क्योंकि रिवर्स करना है लोअर कोर्ट के डिसीजन को। अब लोअर कोर्ट का डिसीजन को रिवर्स क्यों करना है, क्योंकि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं ग्रसित है किसी एरर से, ठीक है। तो अब अपील करता कौन है, ठीक है, तो जो पर्सन एग्रीव्ड होगा वही करेगा। तो ये हो गया अपील के मीनिंग को लेके हम लोगों ने पहला पॉइंट पे डिस्कस किया। अब आते हैं, बात करते हैं कि अपील का क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। तो अपील कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए सबसे पहला जो जो फैक्ट है, जो जरूरी है, वो यह है कि एक डिसीजन होना जरूरी है, ठीक है, पहला। दूसरा कि पर्सन एग्रीड होना जरूरी है, पहला पहला क्या था इंग्रेडिएंट्स की डिसीजन। अब उस डिसीजन से कोई एग्रीड पर्सन हो यह भी जरूरी है। तीसरा कि उस डिसीजन के अगेंस्ट जो भी कार्रवाई होगा, तो उस कार्रवाई को सुनने के लिए कोई एक रिव्यूइंग बॉडी होना चाहिए, ठीक है, जहां पे उस डिसीजन को, दैट मीन्स ये डिसीजन जिससे पर्सन एग्रीव्ड हुआ है, और ये डिसीजन होना किसका चाहिए, तो लोअर कोर्ट का चाहिए। तो यहां पे एक बॉडी होना चाहिए ताकि वो जो डिसीजन है उसको रिव्यू किया जा सके, और वो जो रिव्यूइंग बॉडी होगी वो कंपिटेंट भी होना आवश्यक है, ठीक है।
दैट मीन्स कि उस अपील पे हेयरिंग कर सके, उस प्रोसीडिंग को चला सके, इसके लिए उसके पास कॉम्पिटेंसी होना आवश्यक है। क्लियर? तो ये तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गए अपील के, कि अपील होने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। तो पहला, एक डिसीजन होना आवश्यक है, दूसरा कि पर्सन एग्रीड होना चाहिए उस डिसीजन से, और तीसरा कि उस डिसीजन को रिवर्स करने के लिए कोई एक रिव्यूइंग बॉडी होना चाहिए जो उसको जांच कर सके, ठीक है, कि वाकई में वो डिसीजन सही है या नहीं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। जो तीसरा पॉइंट है अपील से रिलेटेड, वो यह है कि जो अपील का अधिकार मिला है उस अधिकार का नेचर कैसा है। तो दोस्तों, जब हम लोग अपील के राइट के नेचर पे डिस्कस करते हैं तो हमको यह समझ में आता है कि अपील का जो राइट है वो स्टैट्यूटरी राइट है, वो इनहेरेंट राइट नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि स्टैट्यूटरी राइट का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि आपको अपील करने का अधिकार तभी दिया जाएगा जब किसी लॉ के तहत आपको यह अधिकार मिला होगा। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी राइट का मतलब यही होता है। क्लियर? अगर कोई लॉ में है कि उस लॉ के अकॉर्डिंग अपील होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो प्रोवाइडेड होगा उस लॉ में, तो उसी लॉ के अकॉर्डिंग जो कंडीशन इम्पोज्ड है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपील किया जाएगा। अन्यथा अगर आपको किसी लॉ के तहत यह अधिकार नहीं दिया गया है अपील करने का, तो फिर आप अपील नहीं कर सकते, आप डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं लोअर कोर्ट का। यही होता है स्टैट्यूटरी राइट का मतलब। ठीक है, और इनहेरेंट अगर राइट होता तो क्या होता? इनहेरेंट राइट होता तो अगर आपको लॉ इस बात की अथॉरिटी देती है या नहीं देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका यह इनहेरेंट राइट होता, आप अपील कर सकते थे। ठीक है, इसके लिए लॉ का सैंक्शन का आवश्यकता नहीं है अगर राइट अपील का इनहेरेंट होता तो। ठीक है, लेकिन जो अपील का अधिकार वो कैसा है? वो स्टैट्यूटरी राइट है। क्लियर? अब आइए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट का संबंध जो है वो यह है कि सेक्शन 96 के तहत जब भी अपील होगा, सीपीसी के सेक्शन 96, ठीक है, के तहत जो भी अपील होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री से होगा। क्लियर? और जो शब्द डिग्री है इसका क्या मतलब होता है? तो डिग्री को सीपीसी में डिफाइन किया गया है, और डिग्री पे मैं एक स्पेसिफिक अलग से एक लेक्चर दूंगा। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए इस वीडियो में कि डिग्री को डिफाइन किया गया है सीपीसी के सेक्शन 2 के 2 में। ठीक है, सेक्शन 2 क्लाउज 2 में डिफाइन किया गया डिग्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है कि सेक्शन 96 के तहत जब भी अपील होगा तो वो डिग्री से होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर अपील ऑर्डर से किया जाना है तो फिर सेक्शन 96 के तहत अपील नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर से अपील करने को लेकर जो प्रावधान है वो दिया गया है पार्ट 7 के सेक्शन 104 से 106 में, और इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर 43। क्लियर? अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो राइट ऑफ अपील है, क्या उस अधिकार पे क्या अपीलेट कोर्ट कंडीशन इंपोज कर सकती है? अगर सवाल यह उठ जाए कि जो अधिकार मिला है अपील करने का, उस अधिकार पे क्या अपीलेट कोर्ट कंडीशन लगा सकती है, तो आप इसका जो जवाब है वो है बिल्कुल लगा सकती है, लेकिन वो कंडीशन होना चाहिए रीजनेबल। क्लियर? वो कंडीशन कैसा होना चाहिए? तो रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब आइए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन सूट एंड अपील। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज के इस लेक्चर का कि अपील और सूट में क्या अंतर है। दोस्तों, ये डिस्टिंक्शन, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको बताया गया था एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट में, जो था गंगा भाई वर्सेस विजय कुमार के केस में। यह कहा गया कि जो आपको अपील का जो राइट मिला है वो कैसा है? वो स्टैट्यूटरी राइट है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सूट को लेके, तो आपको सूट इंस्टीट्यूट करने का जो राइट मिला वो कैसा है? वो आपका इनहेरेंट राइट है। ठीक है, और तो और इस केस में, दैट मीन्स गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार के केस में, एक बात तो यह कहा गया है दोनों के बीच में डिफरेंस को लेके, दूसरा बात क्या कहा गया कि जो अपील होता है वो कंटिन्यूएंस ऑफ सूट होता है। दैट मीन्स कि मानिए एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ और उस सूट में कोई डिग्री पास हुई, अब उस डिग्री को जब आप चैलेंज कीजिएगा, दैट मीन्स जो लोअर कोर्ट में जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ था और उस सूट में जो डिग्री पास हुआ, अब उस डिग्री को जो आप चैलेंज कर रहे हैं हायर कोर्ट में या सुपीरियर कोर्ट में, दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? उस सूट को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपील कहते हैं। इसलिए कहा गया कि अपील क्या है? कंटिन्यूएंस ऑफ सूट है। ठीक है, तो ये दो बातें कही गई किस केस में? तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार के केस में। क्लियर दोस्तों, ये जो लेक्चर है इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट बच गए हैं, इसको मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है,
तो दोस्तों हम लोग कंक्लूड करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज हम लोगों ने क्या जाना, हम लोग जाने अपील से रिलेटेड अन्य प्रावधानों पे हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम लोग जाने अपील का क्या मतलब होता है और उससे रिलेवेंट केस लॉ देखें, ठीक है, और इस केस लॉ में अपील को किस तरीके से डिफाइन किया गया है वो जाने। दूसरा हम लोग जाने कि अपील का क्या क्या एसेंशियल्स होता है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि अपील होने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और यह भी जाने कि अपील को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तीसरा जो हम लोग जाने कि जो अपील का अधिकार है वो अधिकार का नेचर क्या है, ठीक है। चौथा हम लोग किस पॉइंट पे डिस्कस किए कि जो अपील होगा सेक्शन 96 के तहत वो सिर्फ डिग्री से होगा और डिग्री को 2K2 में डिफाइन किया गया सीपीसी के, और यह भी जाने कि सिर्फ डिग्री से होगा कहने का मतलब ऑर्डर या जजमेंट से अपील नहीं होगा सेक्शन 96 के तहत, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या राइट पे अपील करने का जो अधिकार है एक पर्सन एग्रीव्ड का, उस राइट पे क्या कंडीशन इंपोज किया जा सकता है अपील कोर्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या अंतर होता है सूट और अपील में, और इससे रिलेवेंट केस लॉ हम लोग डिस्कस किए, और इस केस लॉ में क्या कहा गया है दोनों के बीच के अंतर को लेकर हम लोग जाने। दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं जो बच गई है जिसको मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा, जैसे कि अपील होगा तो किस मैनर में होगा, ठीक है, अपील कौन कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो बच चुकी है जो मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपका मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।